तो दोस्तों कैसे हो तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक है आप यू सी परचेज करेंगे तो जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आप पी के अंदर यूसी सी परचेज नहीं कर पा रहे हो तो इसके पीछे एक रीज़न है जो कि आप सबको पता है कुछ प्रॉब्लम चल रही है इस टाइम तो जिसका सॉल्यूसन चला हुआ है साइड बाई साइड तो अब बात करते हैं हमारे को यू सी परचेज करने के लिए क्या कुछ चाहिए तो तीन स्टेप है बेसिकली तो पहला स्टेप है हमारा जो हम नॉर्मल यूसी सी सी करते हैं अपने यूसी स्टोर के अंदर जाके तो सिंपली आप जाके अपना अमाउंट सेलेक्ट करते हो जितना यूसी आपको चाहिए और फिर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वगैरह ऑप्शन वहाँ पे आते हैं उनको सेलेक्ट करके पेमेंट करके यू सी परचेज कर लेते हो सकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सेम ही है उसके अंदर आपको सिंपली अपने गूगल प्ले स्टोर वगैरह के अंदर जाके उसके अंदर आपको अमाउंट जो है ऐड कर देना है अपने गूगल पे के अंदर और उसके बाद जब आप यू सी करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपके गूगल पे के अंदर इतना अमाउंट है तो आप उससे परचेज कर सकते हो तो ये तो हो गए दो स्टैप सो गाइस दो स्टेप तो आपने देख लिया लेकिन तीसरा स्टेप है वो थोड़ा गेम से बाहर का है क्योंकि इसके अंदर आप आप किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करते हो और उसके अंदर आप जो है अपना इन गेम आई देते हो उसके बाद अमाउंट सेलेक्ट करते हो यूसी का और पेमेंट कर देते हो अपने किसी भी डेबिट कार्ड या यू से और उसके बाद आपके इन गेम यू आ जाती है तो ये बेसिकली तीन स्टेप हैं तो हम तीनों स्टेप को यूज़ करके ट्राई करेंगे देखेंगे कि क्या हम उससे परचेज कर सकते हैं या फिर नहीं तो दोस्तों स्टार्टिंग आते हैं हमारे पहले स्टेप से तो पहला स्टेप है हमारा नॉर्मल यूसी स्टोर के अंदर जाके यूसी सी परचेज करने का तो हम नॉर्मली यूसी स्टोर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे को अमाउंट देखने को मिल रहा है बहुत सारा तो हम कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्राई करते हैं परचेज करने की तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एर आ रहा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हम इसको अभी परचेज नहीं कर सकते और हमारा परचेज फेल्ड हो चुका है तो यहाँ पर हमारे दो स्टेप फेल हो चुके हैं स्टार्टिंग के तो दोस्तों स्टार्टिंग के तो दोनों जो हमारे तरीके थे वो फेल हो चुके हैं यूसी सी परचेज करने के लेकिन अब हम ट्राई करेंगे किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करके यूसी सी परचेज करने का लेकिन मैं वैसे आपको रिकमेंड तो नहीं करता लेकिन एक ट्रस्टेड साइट है जिसका नाम है कोडा शॉप उससे आप यूसी सी परचेज कर सकते हो तो उसके अंदर जाके हम चेक कर लेते हैं लेकिन सबसे पहले हम यहाँ थोड़ी सी सेटिंग में जाके थोड़ा मतलब कस्टमर सर्विस के अंदर जाके चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हमें कोई स्पेसिफिक आंसर मिलता है इसके रिलेटेड कि हम यू सी परचेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने दोस्तों इसके अंदर देख लिया सब कुछ तो इसके अंदर कोई ऐसा आंसर नहीं देखने को मिलेगा जिससे आपको पता चल जाए कि हमें यू सी परचेज़ की प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है या फिर कब तक सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा तो इसको हम कर देते हैं आप साइड में अब हम ट्राई करते हैं थर्ड पार्टी ऐप का तो दोस्तों अब चलते हैं हमारी थर्ड पार्टी ऐप जिसका नाम है कोडा शॉप तो उसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ तो ये रही हमारी कोडा शॉफ इसके अंदर आप यूसी सी परचेज कर सकते हो अपनी बहुत सारी गेम्स के लिए तो देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी एपेक्स लीजेंड और बहुत सारी गेम्स है जिनके लिए आप उनके अंदर जो स्पेसिफिक चीज़ें होती है जैसे यू सी के अंदर तो इनके अंदर अपनी एक अलग करेंसी होती है जिसको आप परचेज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही है इस टाइम तो बहुत सारे मेरे दोस्त इससे पहले भी यूज़ करते थे बी के लिए यू सी करने के लिए मैंने बहुत टाइम इसको यूज़ किया है लेकिन अभी बी आप देख सकते हो उसके अंदर शो नहीं हो रहा है तो हो सकता है सर्वर एयर की वजह से यहाँ से भी हटा दिए गए है तो तीनों जो हमारे मेन स्टेप थे जिनसे हम यूसी परचेज करने वाले थे वो तीनों काम नहीं कर रहे हैं तो अब आप सोच रहे होंगे तो हम यूसी परचेज कैसे करें दोस्तों इस टाइम मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है अच्छी खबर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप यूसी परचेज कर सकते हो लेकिन बुरी खबर यह है कि आप यूसी परचेज तो कर सकते हो लेकिन एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो यूसी परचेज नहीं कर सकते आईफोन यूज़र जो हैं वो यूसी परचेज़ कर सकते हैं तो अगर आपके पास एंड्रॉयड की जगह आईफोन डिवाइस है तो आपको सिंपली आपकी जो एप्पल आईडी होती है या फिर आपका एप्पल स्टोर होता है उसके अंदर आपको एक पेमेंट मेथड देखने को मिल जाता है आपको सिंपली उसके अंदर चले जाना है वहाँ पे आपको अमाउंट ऐड कर देना है जितने भी आपको यू सी परचेज करनी है तो उसके बाद जब आप उसके अंदर अपना अमाउंट ऐड कर लोगे तो आपको सिंपली आ जाना है गेम के अंदर इसके अंदर आपको यू सी स्टोर खोल लेना है और यहाँ पर आपको अमाउंट जो है यू सी का जितनी आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके एप्पल स्टोर वाला वहाँ से डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगी और आपकी यू सी जो परचेज़ हो जाएगी तो दोस्तों ये तो दो हो गया सोल्यूसन हमारे एप्पल डिवाइस वालों के लिए जिनके पास आईफोन है वो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं और जिनके पास एंड्रॉड डिवाइस है आपके दोस्त के पास अगर आई, आईफोन वगैरह कोई है तो उसके अंदर आप अपनी आई लॉगिन करके यूसी सी परचेज कर लेना जो मैंने आपको बताया उसी तरह से लेकिन किसी थर्ड पार्टी को यूज़ मत करना अगर आप रिसर्च करते हो या फिर आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप मिलती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो आपको यूसी दे देंगे आपको बस अपनी आई और पैसा उनको देना है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हो सकता है आपकी आई वापस ना देखने को मिले और आपका पैसा भी वापस ना आए तो वैसे स्कैम्स स्कूम के चक्कर में ना पड़े क्योंकि बहुत जल्द आपके सर्वर जो है वापस आ जाएंगे और उसके बाद आपको यूसी परचेज करने के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको बहुत ही जल्दी है तो मैंने जो आपको सॉल्यूशन बताया उसको जरूर फॉलो कर लेना बाकी आज के लिए बस इतना ही आई होप आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब